हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य दो चीज़ों पर। सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत सचिव के जितने भी छात्र हैं जिसका सिलेक्शन पंचायत सचिव के पोस्ट पर हो गए हैं, और दोस्तों उसका ज्वाइनिंग भी होने लगा है। बहुत जिलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं शुरू हुआ है, लेकिन वो उम्मीद है कि 1 अगस्त तक पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। तो उन्हीं के लिए बात करेंगे कि जो है इसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने जा रहा है और ट्रेनिंग के बारे में। तो वीडियो में अगर आप नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, एक पंचायत सचिव का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं, यही इसका आइकन है। और इस पर लगभग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो है लगभग 2100 से ऊपर छात्र इसमें जुड़ चुके हैं। लगभग 2200 आप कह सकते हैं, इतने छात्र इसमें जुड़ चुके हैं। और लगभग छात्र का एक ही मकसद है, होम डिस्ट्रिक्ट प्राप्त करना। मतलब होम डिस्ट्रिक्ट सरकार से अपने जो डिस्ट्रिक्ट सभी को कितना किलोमीटर दूर दूर भेज दिया, आप अच्छी तरह से देख रहे हो फ्रेंड्स। किसी को 500 किलोमीटर दूर भेजा, किसी को 400 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर, जबकि पंचायत सचिव का जो पोस्ट है ये होम डिस्ट्रिक्ट में ही अच्छी तरह से किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, सरकार ने क्या किया कि इस बार इसको चेंज कर दिया है, जो कि छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्रों का एक ही उम्मीद है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले, और इसके लिए वो पूरी तरह से सक्षम और पूरी तरह से जो कह सकते हैं कदम उठा चुके हैं। तो दोस्तों, क्या कदम उठाए हैं इस लेटर को आप देखिए। ये लेटर क्या लिखा गया है, सेवा में माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, किसको लिखा गया है, पंचायती राज विभाग को लिखा गया है। यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, विषय क्या दिया गया है कि नवनियुक्त पंचायत सचिवों की नियुक्ति हेतु गृह जिला सहित अन्य जिला का विकल्प उपलब्ध कराने के संबंध में। यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, महाशय आपसे सविनय निवेदन है कि बिहार में 3161 नए पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए जिला आवंटन किया गया है। जिला आवंटन के क्रम में यह पाया गया कि अधिकांश पंचायत सचिवों को 300 से 500 किलोमीटर दूर तक का जिला आवंटित हुआ है। महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 300 से 500 किलोमीटर दूर तक जिला आवंटित हुआ। देखिए दोस्तों, सबसे कठिन जो चीजें हैं यहाँ से देखेंगे कि महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी जो है 300 से 500 किलोमीटर दूर तक भेज दिया, जो कि कहीं ना कहीं ये इन छात्रों के साथ एकदम से अन्याय हो रहा है। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखें कि हम सभी पंचायत सचिवों को दूर के जिले में ग्राम पंचायत में रहकर काम करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्थानीय राजनीतिक दबाव, भाषा आदि। हम सभी पंचायत सचिवों को पारिवारिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का देख सकते हैं सामना करना पड़ेगा। दूर के जिले में नियुक्ति से हम सभी अपने परिवार के प्रति दायित्व को भी निभाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पंचायत सचिव का पद में जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वित करने का है। अपने जिले में नियुक्ति होने से हम सभी अपनी पूर्ण क्षमता और बिना किसी दबाव के योजनाओं को क्रियान्वित कर देख सकेंगे। सरकार के विकास की मुहिम को धरातल पर सफल बनाने में पूर्णतः सक्षम होंगे। अतः आपसे निवेदन है कि हम सभी को अपने गृह जिले में ही नियुक्त करने की कृपा की जाए। इसके लिए गृह जिला सहित अन्य जिलों को चुनने का विकल्प उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसके लिए हम सभी नवनियुक्त पंचायत सचिवों का आपका सदाभारी बने रहेंगे। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ें, और ये चीज़ें तैयार करके जो है लगभग 100 से अधिक कह सकते हैं 200-300 छात्र जो है इसको एक पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के जरिए पंचायत राज डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है, ताकि फ्रेंड्स सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई संज्ञान ले। और दोस्तों होगी इसी, आप देखिएगा कि एकदम इस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि सभी छात्र एकदम सजग हो चुके हैं। और इसमें लगभग चीज़ें आप देखेंगे फ्रेंड्स, स्पीड पोस्ट के जरिए, आप यहाँ देखिए ये तस्वीर, एकदम स्पीड पोस्ट के जरिए जो है छात्र जो है भेज रहे हैं। पूरा इसमें डिटेल दी गई है कहाँ भेजा गया है, पूरा एक नहीं बहुत सारे डिटेल, ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये भी चीज़ें जो है एकदम स्पीड पोस्ट के जरिए देखिए एकदम भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत सचिव का जो पोस्ट है वो गृह जिला का है, अपने ही जिला का है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि छात्रों को इतनी दूर भेज दी गई है कि उन्हें काफ़ी दिक्कत और समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द इस पर सरकार संज्ञान लेगी, और छात्र एकदम कदम बढ़ा चुके हैं, अब सरकार को इसमें मानना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ट्रेनिंग को लेकर कल एक लेटर आया था, छात्र काफी परेशान हो रहे, कहाँ होगा ट्रेनिंग, कितने दिनों का ट्रेनिंग, काफी टेंशन में। दोस्तों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ट्रेनिंग जो है आपके अपने जिले में, जिस जिले में आपको पोस्ट अलॉट किए गए हैं उसी जिले में जो है समाहरणालय में होगा, वो भी केवल 7 दिनों का। इस पूरी डिटेल से दी गई है, विषय देखिए,
नवनियुक्त पंचायत सचिवों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के संबंध, मात्र एक सप्ताह। ये चीजों को आप यहाँ से गौर करेंगे, बहुत सारे चीजें कह रही है 3 महीने 2 महीने, नहीं। यहां से देखेंगे फ्रेंड्स कि उपयुक्त विषय के संबंध का ना, कि देख सकते हैं प्रसंगाधीन पत्र से कुल 3127 अनुशंसित पंचायत सचिवों को जिला आवंटित किया गया है। बिपार्ड में अगस्त माह के तृतीय सप्ताह से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, परंतु सभी पंचायत सचिवों को बिपार्ड में प्रशिक्षण पूरा करने में 2 माह से ऊपर समय लगेगा, अतः कार्य शुरू करने के उद्देश्य, देखिए ये जो पॉइंट है इसे क्या आपको समझना, अतः कार्य शुरू करने के उद्देश्य से नव नियुक्त पंचायत सचिवों को तत्काल जिला मुख्यालय में 1 सप्ताह का गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों काम इतना बढ़ गया है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए 7 दिन का ही केवल ट्रेनिंग दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि अगस्त माह में तीसरे सप्ताह में ट्रेनिंग होगी, नहीं होगी, उसको आप अभी भूल जाइए, अभी सिर्फ 7 दिनों की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि कार्य जो है काफी पेंडिंग में है, उसे जल्द से जल्द कराने के लिए। उक्त प्रशिक्षण जिले में पदस्थापित सक्षम प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र में पदस्थापित पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा बिंदुओं पर आयोजित किया जाना है। मतलब साफ है फ्रेंड्स की जो है इसका कहाँ होगा, तत्काल जिला मुख्यालय। अब ये देखिए गौर कीजिए, जिला मुख्यालय मानी डीएम ऑफिस के बगल कह सकते हैं। इस पर किस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्या चीज़ों सिखाए जाएंगे, ये देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और यहाँ एमआईएस इंट्री, यहाँ ई ग्राम स्वराज, PFMS पोर्टल पर एंट्री, ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण पंजीयों एवं अभिलेखों के लिखने की विधि एवं साधारण तथा रख रखाव, ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित महत्वपूर्ण योजना तथा केंद्रीय वित्त आयोग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगे ट्रेनिंग में। 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा पूरी तरह से। और बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि हाँ फिर से ट्रेनिंग होगा अगस्त माह के दिन, नहीं अभी नहीं होंगे ये ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यहाँ सिर्फ दिया गया कि ये जो है 4 सप्ताह का ट्रेनिंग होना था, प्रक्रियाधीन है, लेकिन काम को देखते हुए जो है इसको अभी टाल करके केवल 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ट्रेनिंग अपने ही जो है मुख्यालय में होगा, और ये पूरा डिटेल इसमें दी गई है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो छात्र काफ़ी दूर चले गए, आपको पता फ्रेंड्स कि बहुत सारे छात्रों को जो है दूर दूर दिया गया, तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ समस्या है, तो इस पर जो है सरकार बहुत जल्द ही संज्ञान लेने जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।